क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दो है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। तो सूची एक में है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और सूची दो में है इन जो लक्ष्य हैं इनके अंदर कौन से विषय हैं। SDG 1 है निर्धनता नहीं, नो पॉवर्टी। अगर गरीब नहीं है तो जाहिर सी बात है वो भुक्का तो सोने वाला नहीं है, और जब वो भुक्का नहीं सोने का तो जाहिर सी बात है उसके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भर पेट भोजन करेगा तो अच्छे से जीवन निर्वाह, और ये एक हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हेल्थ रहेगी अच्छी तो जाहिर सी बात है वो शिक्षा भी अच्छी ले पाएगा। यानी कि वो कहते हैं ना, कहावत है कि बिन भोजन भजन न हो गोपाला। जब अगर उसे भोजन अच्छे से मिलेगा तो पढ़ाई में मन अपने आप लगेगा, और जब पढ़ाई कर चुका होगा तो एक शिक्षित समाज की स्थापना करेगा, और शिक्षित समाज के अंदर जेंडर इक्वालिटी को लेकर बात करेगा, क्लीन वाटर को लेकर बात करेगा, और साफ सफाई को लेकर बात करेगा, अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी को लेकर बात करेगा, और एक सभ्य कार्य की काम करेगा। जब सभ्य कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है वो देश की इकोनॉमी में ग्रोथ करेगा, देश वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, और जब पैसा अच्छा खासा आएगा तो इंडस्ट्री भी लगाएगा, नए विचार भी लाएगा, और आने जाने की सुविधा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। और भाई साहब, जब ये सारे पूरे कर लेगा तो एक समाज की स्थापना ऐसी करेगा जहाँ पे असमानताओं को समाप्त करेगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। साथ ही सस्टेनेबल सिटीज मतलब कि एक सतत शहर बसाएगा और समुदाय भी ऐसा बसाएगा जो कि एक अच्छा हो, और फिर रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन भी उतना करेगा जितना खप सके, फिर एक क्लाइमेट को लेकर भी अच्छी से बात करेगा, लाइफ बिलो वाटर को लेकर भी बात करेगा, लाइफ ऑन लैंड भी बात करेगा, शांति को लेकर बात करेगा, समाज के अंदर न्याय मिल सके, और ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेगा। फिर इन्हीं सभी गोल को लेकर एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में सभी को साथ भी लेकर आने का प्रयास करेगा। तो जो SDG 1 है नो पॉवर्टी, SDG 2 है जीरो हंगर, SDG 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 4 है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी, SDG 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और 8 दे रखा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी ग्रोथ, और 9 दे रखा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10 दे रखा है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और 12वां दे रखा है हमारा दोस्तों रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और 13वां है क्लाइमेट एक्शन, और 14 नंबर है लाइफ बिलो वाटर, और 15 है लाइफ ऑन लैंड, और 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो दोस्तों आपको अच्छे से बताया था हमने कि ये 2015 ये जो आए थे ये 2015 में आए थे, और कब से कब तक ये 2015 से 2030 तक इनका टारगेट है। इनसे पहले आए थे MDG, MDG जो कि 2000 में आए थे, और 2015 तक इनका लक्ष्य रखा था। इसके अंदर 8 गोल रखे गए थे, जो कि MDG के अंदर 8 गोल थे, और SDG के अंदर कितने गोल थे दोस्तों, 17 गोल्स हैं। तो SDG के अंदर 17 गोल्स के साथ साथ जो टारगेट है दोस्तों, टारगेट है 169। आई होप आपको SDG से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी। और दोस्तों UPPCS जो अभी 14 मई 2023 को कंडक्ट कराया गया, उसके अंदर गोल नंबर 13, गोल नंबर 14, गोल नंबर 15, इनको लेकर घुमा फिरा कर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बने थे। सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये भी क्वेश्चन बना था, और सतत विकास क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम रखा है SDG 1, जिसमें उसके सामने दे रखा है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और SDG 3 है के सामने निर्धनता नहीं यानी कि नो पॉवर्टी, ऑप्शन सी में दे रखा है SDG 4, इसके सामने गुणवत्ता परक शिक्षा, और ऑप्शन डी है SDG 6 जो कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 मतलब कि क्लीन वाटर एवं सैनिटेशन, करेक्ट है ये तो, यानी डी का 4 देख लो कौन से में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हो गया। हम 3 और 2 के बारे, 3 और 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो SDG 1 है नो पावर्टी, यानी 1 का 2 देख लो किसमें है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 का 2, और बी का 1 होना चाहिए SDG 3। जो बी का 3 है दोस्तों वो हमारा कहता है, SDG 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और SDG 4 क्या कहता है गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो सी का 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 3 हो गया दोस्तों,
एसडीजी की एक पूरी वीडियो बना रखी है, क्योंकि एसडीजी से संबंधित यूपी पीसीएस के अंदर हर साल 2 से 3 या 1 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे बनता है, और फ्री का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्री के नंबर हैं ये, 2 से 6 नंबर के बीच में आप उठा सकते हैं आराम से। तो हमने बात की थी एसडीजी के बारे में, मैं आपको एक बार एसडीजी का रिविजन कराने का प्रयास करूँगा। एसडीजी 1 है निर्धनता नहीं, नो पॉवर्टी। एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। एसडीजी 4 गुणवत्तापरक शिक्षा। और एसडीजी 6 जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।